एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और यहाँ कानपुर में तो इतना बुरा हाल है गर्मी का, मैं क्या कहूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। यहाँ बारिश हुई और 8 तारीख को जिस दिन बर्थडे था बेटी का, उस दिन शाम को थोड़ी बारिश हुई है, अच्छी खासी ठंडक हो गई थी। पर दूसरे दिन मौसम भी ख़राब था, लग रहा था कि बारिश होगी बारिश होगी, बारिश हुई भी थोड़ी और फिर धूप निकल आई, तब से तो बारिश हुई नहीं। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, माय गॉड। आप लोगों का कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। वैसे तो बहुत जगह, दिल्ली है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जो है ना खुश हैं, लोग मना रहे हैं कि भगवान से की बारिश ना हो, और यहाँ हम लोग सोचते हैं कि बारिश हो जाए। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे मौसम ख़राब है, सॉरी मौसम मतलब बेकार है, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। यहाँ इतनी हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एसी समझ लो, ये समझ लीजिए कि मेरी एसी काम नहीं कर रही है कुछ दिनों से, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम लोगों को कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी। और ये देखिए आज की मेरी कुर्ती, ये देख सकते हैं आप मेरी कुर्ती, मैंने कितनी 6 कुर्तियाँ मंगवाई है, 6 कुर्तियाँ जो है ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है डेली यूज़ के लिए, मुझे डेली यूज़ के लिए कुर्तियाँ बहुत पसंद है। और सिर्फ लेस मंगवाया है, फुल नहीं मंगवाया है, मुझे फुल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कितना भी मतलब नॉर्मल वैसा कपड़ा हो पर गर्मी लगती ही लगती है मुझे तो इसीलिए एक तो मैंने काफ़ी दिन पहले वो आ गई थी तो वो मैंने पहना था, तो वो ऊपर धुल के जो है मैंने सुखाने के लिए डाला है। और एक वो मैंने पहले मंगवा लिया था, एक कॉम्बो सेट में आया था तो वो उसका कपड़ा चाहिए लगा था, उसको मैंने चेंज कर दिया और उसमें कुछ प्रॉब्लम, कलर भी इतना खास नहीं लग रहा था मुझे। और फिर मैंने उसके बाद ना 4 कुर्ती का एक पूरा कॉम्बो सेट मंगाया, उसके बाद फिर एक कुर्ती और मंगवाया, तो दोनों आज ना फ्लिपकार्ट आज ही दोपहर में जो है ना एक साथ मुझे प्रोडक्ट मिल गया। और अभी मैंने कुछ देर पहले जो है ना कुछ वीडियो शूट भी किया था, और कल मैंने क्या हम लोगों ने वो कुल्फी वगैरह खा लिया था, मुझे कुल्फी बहुत अच्छी लगती है, मैं ठंडा गर्म पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ। कल मैंने पता नहीं कितने महीने बाद मैंने कुल्फी खाई है, और गर्मी इतनी है मैं ठंडा पानी भी हम लोग समझ लो मेरे यहाँ कोई यूज़ नहीं करता है, पर कल ऐसी मन हुआ कि कुल्फी खा लूँ, और इतनी ज़्यादा मतलब जुकाम सा हो गया मेरे, सुबह बहुत ज़्यादा रात भर भी दिक्कत हुई गले में, और थोड़ी खांसी, गले में खराश, सब कुछ एक साथ हो गया मेरे। मेरे अभी ने तो उन्होंने तो खाया भी नहीं है, तभी उनको भयंकर जुकाम भी हो गया था। तो और अभी मैं ना कुछ देर पहले ऊपर कमरे में गई थी वीडियो बनाने के लिए, और पसीने से भीग कर जो है ना मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आ गई हूँ। इतनी हालत मतलब मेरी ख़राब हुई एक वीडियो बना पाई, किसी तरह से मोबाइल इतना ज़्यादा हीट मारने लगा मेरा, क्योंकि बच्चे मेरे इतना परेशान करते हैं कि यहाँ टीवी चालू रहती है, ये देखिए अभी भी टीवी चालू हो रही है, देख रहे हैं टीवी चालू है, तो टीवी फास्ट में जान सकते हैं आप, मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई मुझे ऊपर, और इतना ज़्यादा मतलब गर्मी है। ये देखिए जो मैंने नेल पेंट बना लूजर मंगाया था purple.com से, ये देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखिए है ना बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा कलर है, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला लाइट कलर है। इस टाइप का कलर सच बताऊँ फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया है, और जो मैंने 24 का पूरा जो फ्लिपकार्ट से सेट मंगवाया था वहाँ से फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो उसमें ये कलर नहीं आया है। थी हाँ क्या पानी से पानी दे दो बेटू, तो ये कलर नहीं आया था उसमें, और मुझे ये लाइट कलर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सिया वो सिपर भर लाओ बेटा मेरे लिए भी, इतनी ज़्यादा ऊपर गर्मी है ना कि 5 मिनट भी कोई रुक जाए ना तो मैं उसको 100 रुपये दूंगी। बहुत बड़ी बात है कि कोई 1 घंटा ऊपर रुक भी ले, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी मेरे ऊपर इतनी गर्मी। हाँ हाँ ठीक है पॉज कर दे रही हूँ यार, मेरा बेटा ना आज सुबह मुझसे प्रॉमिस किया कि मामा मैं होमवर्क भी करूँगा और 2 परेठे खाऊँगा, आलू का परेठे आप लोग आप बनाना, तो मैंने कहा ठीक है आलू के परेठे बनवा दूँगी और होमवर्क भी कर लेना। बट इतना बदमाश है कि कब से खा रहा है, 6 बजे से खा रहा है, अभी तक एक परेठा इसने फिनिश नहीं कर पाया, अब एक खा लिया ना, अब एक परेठा मुश्किल से खा पाया, इतना बदमाश है। तो मैंने कहा होमवर्क कब होगा, कल मैम जल्दी आने वाली है सुबह, क्योंकि जो मैम पढ़ाती है ना उनकी एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, तो वो कल सुबह काफ़ी ज़्यादा काफ़ी जल्दी पढ़ाने वाली हैं, उनको एडमिट कार्ड लेने जाना है, तो बस इसी वजह से। और वहाँ पे ना कई दिल्ली है बहुत सी जगह ऐसा है ना, मौसम इतना अच्छा है, इतनी बारिश हो रही है कि लोग सोच रहे हैं मना रहे भगवान से कि बारिश ही ना हो रुक जाए, क्योंकि कई जगह मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी कुर्ती डिज़ाइन, उसके बाद जो है ना आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और ये देखिए मैंने ना अपना ये जो है ना इसको रख देती हूँ,
एक तो ये कुर्ती मैंने पहनी हुई है जो कि ये मैंने आप लोगों को भी दिखाया भी था, तो ये वाली काफ़ी लूज है सारी कुर्ती, मैं टाइट इस वजह से नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ना वो पहनना पड़ता है बेल्ट, तो बेल्ट के वजह से ना फिटिंग वैसे भी लग जाती है, टाइट सी हो जाती है, तो इसी वजह से ना मैं फिटिंग नहीं करवाऊँगी अभी जब तक मेरा बेल्ट ना है। सो ये देखिए एक ये वाली कुर्ती है और इसमें इसका ना अगर आपको पसंद है इसमें ओके सारे साइज ना आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे इसमें अगर आपको चाहिए तो, और थैंक यू बेटा अगर आपको चाहिए तो। और मैंने ना मुझे ये वाले कलर्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, एक मिनट मैं स्लो कर दूँ फिर भी थोड़ा सा। तो ये वाले जो कलर है ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए क्योंकि मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए था, मुझे ना मार्केट वर्केट जाने के लिए, मैं अपने लिए अलग ड्रेसेज हैं तो मुझे डेली यूज़ के लिए नॉर्मली ये बहुत ही कम्फर्टेबल जो थे ना मुझे ड्रेसेस ये मुझे चाहिए थे। और इसका जो है ना ये वाली डिज़ाइन की थोड़ी सी ना इस जगह से जो फ्रॉक ड्रेस होती है ना फ्रॉक कुर्ती उस टाइप की है, ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप ये वाली, ये चाहे तो अभी ये साइड से पहन सकते हैं चाहे इस साइड से। और जो ये देखिए नहीं फ्रॉक कुर्ती में जो डिज़ाइन होती है ना ये उस टाइप में, और ज़्यादातर ना सारी कुर्ती में ब्लैक कलर ज़रूर आपको मिलने वाले हैं। और ये देखिए सेकंड ये वाली है, ये जो चार है ना ये वाली जो है जो मैंने पहना है ये इसी के साथ है चार कॉम्बो में, और जो ये वाली है ना ये मैंने अलग से मंगवाई थी अलग सेट में है, ये बाकी ये वाली और जो मैंने आपको तीन और दिखा रही हूँ वो कॉम्बो सेट में। ये देखिए ये डेली यूज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इस टाइप से देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इसकी अच्छी है, जो कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर अलग से दिया है ना तो इसका जो है ना डिफरेंट लुक जो है ना आ रहा है। और ये देखिए डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये वाली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली भी। और ये अगर मतलब कोई कहे कि अच्छी नहीं है बेकार है ये वो, तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे डेली यूज़ के लिए ही चाहिए थे, हम घर में क्या क्या तो पहन लेते हैं तो ये पहनने में क्या खराबी है मुझे ये लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मुझे अपनी पसंद चाहिए थी, मैं किसी की पसंद से ज़्यादातर चीज़ें नहीं लेती, अगर मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं है कोई भी पसंद करता है तो मैं सच बताऊँ तो नहीं ले सकती, क्योंकि अगर जो पहने मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैं वो नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा अपनी पसंद की ही चीज़ें ज़्यादातर लेती हूँ जो मुझे पसंद है और जो मेरे लिए अच्छा सही हो। ये देखिए ये वाली नेक्स्ट, और इस टाइप की ना साड़ियाँ भी मैंने पहले एक बार देख चुकी हूँ, ये देखिए पीछे पूरी प्लेन ब्लैक है और ये इस टाइप, तो इस टाइप में। और ये तीन कुर्ती और एक ये वाली कुर्ती चार का जो है कॉम्बो सेट, एंड ये वाली जो है अलग से, ये वाली आपको 270 की मुझे पड़ी थी, और जो बाकी की मैंने कॉम्बो सेट में चार कुर्तियाँ मंगवाई थी वो वाली जो है मुझे 600 कुछ की पड़ी थी, 664 ऐसी कुछ पड़ी थी। तो मैं इसका सारे कुर्तीज के जो मैंने एक जो पहले पहन लिया था ना उसका भी जो है ना अभी वो वाली जो है ना धुल के मैंने आज कल उस दिन पहना था कल तो उसका धुली हुई है, तो वो भी वाली कुर्ती भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसकी डिज़ाइन फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप लोग भी जो है ना ले सकते हैं अगर आपको पसंद है। और मैं तो कहूँगी अगर आप ये अलग से आप लेने चाहेंगे चार कुर्ती कॉम्बो सेट में 600 कुछ की आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाली, मैं तो ये कहूँगी 664 ऐसी कुछ है प्राइस, तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है मैं तो ये कहूँगी। और क्योंकि हम भारत जाते तो 300-400 से कम तो कोई कुर्ती मिलेगी नहीं, अगर आप डेली यूज से भी लेंगे ना तब भी आपको जो है 250 रुपये से कम तो एक कुर्ती मिलेगी नहीं, और 664 की मुझे चार पड़ी है तो आप उसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कुर्ती मुझे कितने की पड़ी, क्योंकि अगर 250-250 की पड़ती तो मुझे दो कुर्ती 500 की पड़ जाती, तो आप खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 664 में मुझे चार कुर्तियाँ क्या ख़राब है। और डेली यूज़ के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल कपड़ा है, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट है, गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट कपड़ा है, और गर्मी में आप इसे बहुत ही अच्छे से पहन सकते हैं, नीचे आप चाहे तो लोअर पहन लें, लेगी पसंद है लेगी पहन ले कुछ भी पहन सकते हैं, नीचे ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब, वैसे तो ये लेगी में ज़्यादा अच्छी लगती है पर अगर आपके पास लोअर है तो आप लोअर भी पहन सकते हैं, लेगी वगैरह कुछ भी नीचे जो है ना इसमें मैचिंग तो पहन सकते हैं, मैचिंग तो कोई ज़रूरी नहीं होता आप कोई भी पहन सकते हैं। वैसे मेरे पास ब्लैक कुर्तीज बहुत सारी है, ब्लैक लेगी, तो मुझे ब्लैक लेगी बहुत अच्छी लगती है, ज़्यादातर मैं ब्लैक लेगी ना ज़रूर लेती हूँ ताकि हर कुर्ती में जो है ना वो आपको सूट कर जाती है। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को जो है मेरी ये वाली कुर्ती जो है ना कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। काफ़ी ज़्यादा पानी पी गई आज गर्मी की वजह से, मेरी हालत इतनी ख़राब है क्योंकि एक तो बैड लगा के बैठो, होमवर्क हो गया करो
गर्मी की वजह से हालत खराब है। बाहर डेली मेरा टाइम है, मैं आधा घंटा मतलब 30 से 40 मिनट मेरा डेली टहलना होता है। इतना टहलना मेरा डेली होता है, किसी से पैर दर्द होते लंगड़ा के जैसे तैसे टहलती हूँ मैं, पर टहलती जरूर हूँ ताकि मतलब जो है ना पैरों की जो हमारी टहलने की घूमने की आदत ना जाए, नहीं तो जब थोड़ा चलना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर खासकर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर टहलती हूँ, चाहे आधा घंटा टहलूँ, आधा 40 मतलब 30 से 40 मिनट के अंदर ही मैं पूरा टहल लेती हूँ जितना मुझे टहलना, इतना मतलब घड़ी से जो है ना मैं देख के टहल लेती हूँ, क्योंकि लिमिट से पार ज़्यादा टहल लो ना। तो ये वाले कुर्ती के सारे लिंक जो है ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके, लेडीज के लिए बोल रही हूँ, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, और जेंट्स अपनी वाइफ के लिए नॉर्मली परचेज कर सकते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। और सारी कुर्तीज डेली यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, कम्फर्टेबल है गर्मी के लिए, जैसे कि इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है, और अगर आप ठंडी में भी पहने तो कोई ख़राब नहीं है। आप ऊपर स्वेटर वगैरह तो हम नॉर्मली वैसे भी पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं तो ऊपर उसके स्वेटर पहनना ही होता है, तो बहुत ही अच्छी कुर्ती है। और नॉर्मली अगर कहीं से भी सिलाई हटती कुछ भी, तो आप नॉर्मली जो है सिलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं ना जो कि मशीन में नहीं चलते, नहीं सिल पाते अगर कहीं से भी उसकी सिलाई हटती तो। सो आज का व्लॉग जो है यहीं से जो है खत्म करती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।